Welcome everyone once again to this special episode on Omkara Pathshala. You know, there are people whom you have adored since last many years, and you get a chance to learn from them. Nirmal Jain is one of them. You know, I have, okay, in my career in CNPC, I've seen him growing. I've seen him take very, very daring steps. And today it's my pleasure to, you know, talk to him, on this platform and learn about his company, IIFL Finance. This is one sector we have refrained from investing, but, you know, the company has been doing so well, that we wanted to learn more and more. As a disclosure, Omkara Capital and IIFL Finance does not have any business transactions at all. We are investors in IIFL Finance. Omkara Capital Prop Book has investments in IIFL Finance. We have advised to our clients. So please take with a truck lot of salt that we may be biased when we're talking to, Nirmal. Of course, as always, I'm joined by, Tejas Bhai as well, who is the director and head of research at Omkara Capital. Thank you, Nirmal sir, for joining and being our guru today to make us learn more and more about IIFL Finance. Thank you, Varinder. All of us are learning every day, actually. Sir, हम हमेशा बोलते हैं और आपसे भी बहुत बार हमें ये सीखा है कि किसी भी कंपनी से पहले पीपीपी मॉडल है हमारा, पहले प्रमोटर, फिर प्रोडक्ट, फिर प्राइस. तो 10 मिनट या 5 मिनट हम सिर्फ प्रमोटर पे लगाते हैं. और एज द सेशन इज सर, इसको आप हिंदी में रखिए, पूरा दिल से रखिए. इट्स अ कॉफी टेबल काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन, तो फिर आप बिंदास होके आप अपने स्टाइल में बात कीजिए. तो पहले ये बताओ सर, निर्मल जैन है कौन? तो लोगों को IIFL Finance के बारे में पता है, लोगों को पता है कि आप लोगों ने अभी IIFL Finance कर दिया, सिक्योरिटीज कर दिया, वेल्थ कर दिया, बहुत अच्छा काम किया है. बट लेट्स रिवाइंड हिस्ट्री एंड नो हु यू आर, बाकी आपके घर में कौन कौन है, आपके सिबलिंग्स कौन कौन है. सो सबसे पहले प्रमोटर का मालूम होना चाहिए, फिर हम प्रोडक्ट पे आएंगे सर. सो मैं एक साधारण आदमी हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया, और मेरा नेटिव प्लेस तो राजस्थान में उदयपुर है, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. और मेरे फादर जो आए थे बॉम्बे में, मेरे ख्याल से 8-9 साल की उम्र में. सो वो बॉम्बे में है 80 साल से भी ज्यादा, क्योंकि ही इज नाउ 90, टच वुड. एंड सो ही स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर, एंड द स्मॉल बिजनेस विच ही केप्ट ग्रोइंग. बट सो हम लोग 3 भाई और 1 बहन, 4 सिबलिंग थे. एंड मतलब भगवान की दया से सब लोग पढ़ने में अच्छे थे. तो मेरे बड़े भाई ने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, ही वॉज रैंक होल्डर, ऑल ऑफ अस वर रैंक होल्डर्स एक्चुअली. सो मैंने भी सीए किया उनके साथ साथ, तो कॉस्ट अकाउंट उनको उनके पीछे पीछे, मतलब जो एक्चुअली क्या होता है कि अपने आप पे बड़ा भाई जो काम करता है उसी से छोटे भी सीखते हैं. और हमारे जो जो मारवाड़ी मेवाड़ी समाज में ज्यादातर लोग सीए करते हैं. जैसे आपने देखा होगा, बिहार से ज्यादातर लोग आईएएस में जाते हैं, साउथ से ज्यादातर लोग सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं. तो अपने राजस्थान के बहुत सारे लोग कम से कम आज से 20-30 साल पहले तो सब अगर बाय डिफॉल्ट सीए कर लेते थे. बिल्कुल सही बोले सर. और खाली पढ़ने में आई वाज ऑलवेज अमंग द टॉपर, व्हिच इज अ गुड ब्लेसिंग ऑफ द पेरेंट्स, गॉड एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ अस वर गुड. एंड देन मैंने सीए के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी की, और फिर मैंने एमबीए किया है अहमदाबाद से. तो मैं एक्चुअली बहुत ही कम, करीबन 22 साल की उम्र में मेरी तीनों प्रोफेशनल डिग्री हो गई थी. और मैंने सीए बीकॉम के साथ किया था. उस जमाने में आप बीकॉम के साथ कर सकते थे सीए एंट्रेंस देके. तो जब बीकॉम और सीए हुआ तो मुझे लगा कि मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है काम करने जितनी है. तो फिर मैंने कहा कि यहाँ से भागने का तरीका यही किया कि आई अहमदाबाद कैंपस में चले जाओ. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. उसके बाद मैंने हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन की 5 साल के लिए. सो मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, क्योंकि फादर का एक छोटा बिजनेस है, मेरा बड़ा भाई प्रैक्टिस करता है सीए की, छोटा भाई जो है फादर का बिजनेस संभालता है, सिस्टर इज मैरिड इन उदयपुर. एंड वहां से तो 5 साल हिंदुस्तान लीवर में काम करने के बाद में स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो था, क्योंकि 89 में काम करना चालू किया. 91 में मैं हिंदुस्तान लीवर एक्सपोर्ट्स में था, जब रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ बहुत तेजी से, और उसके बाद रिफॉर्म चालू. अगर आपको याद हो तो मनमोहन सिंह का जो बजट था, और वो इंडिया का बहुत बड़ा रिफॉर्म्स था. और तब उसी समय स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आना चालू हुआ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान लीवर में काम करता था. उसके सामने ICICI की बिल्डिंग थी, जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्त थे. राशेश था, गिरीश कुलकर्णी था, जो वेंकट अब मेरा कलीग है वो भी आया उसमें, और वो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत एक्टिव थे. और उस जमाने में उनके पास ज्यादा समझ थी, उनको मैं इंसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं कहूंगा उसको, पर उनको ज्यादा समझ थी. और स्टॉक मार्केट में जो हर्षद मेहता का बूम था, अगर आपको याद हो 92-93, बहुत तेजी से पैसा बन रहा था, जैसा पिछले साल बना वैसा ही मतलब लोगों का. तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बीइंग अ सीए कॉस्ट अकाउंटेंट आई कैन रीड बैलेंस शीट, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज.
एंड देन हिंदुस्तान लीवर पे जॉब भी ठीक ही चल रहा था. सो संजय भट्टाचार्य इंट्रोड्यूस मी टू रामदेव एंड मोतीलाल जी, सेइंग दैट दीज आर टू वेरी गुड ब्रोकर्स एंड वेरी गुड पीपल. तो उसके बाद उनको रिसर्च शुरू करनी थी. उस जमाने में कोई रिसर्च बैकग्राउंड मेरा भी नहीं था और रिसर्च बैकग्राउंड के लोग भी नहीं थे उस जमाने में. पर कहा कि चलो अच्छा सी ए कॉस्ट अकाउंटेंट एम बी ए, तो उनकी रिसर्च सेटअप की और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया एक रिसर्च को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. क्योंकि इंक्वायर करके एक सेपरेट ब्रांड से हमने इंक्वायर जो था वो एक्रोनिम था इंडियन एक्विटी रिसर्च का, एक सेपरेट ब्रांड से चालू किया और कुछ ही थोड़े टाइम में एक नई ऑफिस भी ली. रामदेव को बहुत इंटरेस्ट था रिसर्च में भी और एक टीम खड़ी की मैंने क्वाइट इंडिपेंडेंटली और एक डेढ़ साल तक उनके साथ उनके जो इंक्वायर रिसर्च थी उसको चलाया. देन आई रियलाइज कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है एंड आई वांटेड टू बी ऑन माय ओन. और मैंने सोचा कि देखो 200 कंपनी पे रिसर्च है, उसी में 95% ऑफ कामकाज होगा मार्केट का. और अगर 200 कंपनी पे रिसर्च करो उसको अपडेट करो तो 200 ब्रोकर को रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम रिसर्च रिपोर्ट बना के बेचेंगे और उससे काफी अच्छी फी इनकम आएगी और पैसा आएगा. दैट इज हाउ द बिजनेस स्टार्टेड 1995 में. उसका क्या रहा था प्रोडिजी, राइट? प्रोबिटी इज अ प्रोबिन इक्विटी. तो जैसे इंक्वायर था वो इंडियन इक्विटी रिसर्च, प्रोबिटी वाज प्रोबिन इक्विटी एंड प्रोबिटी आल्सो मींस ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी. तो हमने कहा वैल्यूज आल्सो कवर्ड एंड बिजनेस आल्सो कवर्ड इन वन नेम. वो नाम जो था 1995 में उस नाम से कंपनी चालू हुई. अब आप अकेले होते थे सर कि वेंकट सर भी साथ में थे? नहीं, वेंकट सर ने ज्वाइन किया बाद में 98 एंड 99 में. अच्छा, जब हमने ये मॉडल चेंज किया इंटरनेट का. अच्छा, सो 95 में जब शुरू किया तो मेरे ख्याल से सेंसेक्स थी कुछ 2900 के आसपास. अच्छा, तो हम लोग 4-5 लोग थे. तो मैंने कहा देखो स्टॉक मार्केट इंडिया का बहुत अच्छा फ्यूचर है एंड बाय द टर्न ऑफ द मिलेनियम मतलब 2000 के आसपास आप ये सेंसेक्स 10000 हो जाएगी. हुआ ये, अगर आप देखो जाके तो 2700 हो गई एक्चुअली 5 साल बाद. तो क्योंकि मार्केट बिल्कुल ही, हमारा बिजनेस जो है मार्केट पर डिपेंडेंट था. हम लोग, हमारी जो रिसर्च थी हम लोग कंसल्टिंग फर्म बैंक्स को भी बेचते थे पर बहुत मुश्किल था क्योंकि 95 से 99 तक इंडिया में रिसेशन था. मतलब इंडिया के स्टैंडर्ड से रिसेशन था. इकोनॉमिक ग्रोथ 4-5% रही होगी और मतलब स्लो था कामकाज काफी. मार्केट कहीं नहीं जा रहा था, मार्केट वहीं पे था 2900 के आसपास, 2900 से 2700 के बीच में. 99 में ये जब इंटरनेट आया और जब हॉटमेल बिका करीब $100 मिलियन में, और तब हमने ये मॉडल इंटरनेट पे ईमेल पे रिपोर्ट करना, अपना ईमेल पे रिपोर्ट जाने लगी. एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई हमने आईटी सेक्टर के ऊपर. क्योंकि अगर आपको याद हो तो 99, 2000, 2001 में एक ही सेक्टर चला, आईटी सेक्टर. तो पूरा मार्केट वहीं का वही और आईटी के जो स्टॉक्स थे 10 गुना हो गए या 5 गुना हो गए या 2 गुना हो गए, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टॉक था. तो उस समय इंफोसिस भी था और उल्टा भी था, सब टाइप की कंपनीज थी. तो हमने एक रिपोर्ट बनाई आईटी सेक्टर के ऊपर, होप हाइपर हैपनिंग दैट. क्योंकि सबको बहुत बहुत ही जिज्ञासा थी कि आईटी सेक्टर है क्या. क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि तो मैन पावर कॉन्ट्रैक्टिंग है, जैसे कि उनसे बात करो तो वो ऐसी इमेज क्रिएट करते थे कि जैसे बड़ी शिप के ऊपर यहाँ से वर्कर लोड करके भेज रहे हैं अमेरिका में, वो जाके वहां पे बंधुआ मजदूर के जैसे काम करेंगे. और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये सेक्टर उस समय, चलो आप FMCG सेक्टर हिंदुस्तान लीवर की बहुत अच्छी मतलब रेस्पेक्ट था, पर इंफोसिस जैसी कंपनी को लोग समझते नहीं थे. तो हमने उस समय पहली बार कहा कि इस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ होगी और सेक्टर का परसेप्शन जो भी हो पर इसमें ग्रोथ बहुत है. वो रिपोर्ट बहुत हिट हो गई. पर हुआ ये कि वो रिपोर्ट अगर 10 लोग खरीदते थे तो 1000 लोग पढ़ते थे. तो पॉपुलर तो हम लोग हो गए पर पैसा नहीं बन रहा था. क्योंकि इंटरनेट इंडिया में IPR तो कुछ है नहीं. आप एक रिपोर्ट भेजो तो आप 10 लोग को भेज दो, उसमें तो कोई रोकना तो रुकने जैसा तो कुछ है ही नहीं. तो उस समय थोड़े फ्रस्ट्रेशन में और थोड़े एंटिसिपेशन में हमने कहा कि साला सभी रिपोर्ट को फ्री कर देते हैं, पूरी रिसर्च जो है अपने वेबसाइट पे फ्री लगा देते हैं. तो उस समय 1999 में करीबन 1 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू था, 15 लाख का प्रॉफिट था मेरे ख्याल से, इसी आसपास कुछ नंबर रहे होंगे. पर अगर उसको फ्री करो तो आपका जो 15 लाख का प्रॉफिट नहीं, 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जा रहा है क्योंकि कॉस्ट आपकी वही की वही है और बढ़ जाएगी एक्चुअली. पर दैट वाज अ रिस्की स्टेप दैट वी टुक. और हमने पेपर में एक एड दी कि भाई अभी हमारा बिजनेस बंद कर रहे हैं तो वी आर किलिंग आवर बिजनेस. बहुत सारा रेस्पॉन्स आया उसका. और उसी दिन हमने जो वेबसाइट थी उसका रेस्पॉन्स में उस वेबसाइट दूसरे दिन सुबह वेबसाइट लॉन्च की और सब रिपोर्ट उसमें फ्री लगा दी. indiainfoline.com नाम चेंज कर दिया क्योंकि पहले ऐसा था कि हम लोग इंडिया के ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे
कंपनी सेक्टर इकोनॉमी और बाकी हमारे पास रिसर्च भी था उस समय काफी सारा, जो 4-5 सालों की मेहनत थी वो पूरी रिसर्च का एक लाइब्रेरी डेटाबेस इतना बड़ा टीम, हम लोग 15 लोग थे करीबन, 98 में 15 लोग थे, फिर काफी तेजी से बढ़े हम लोग। हमने एंजल फंडिंग रेस की सबसे पहले अपने दोस्तों से 2-2 लाख रुपए से करीबन 1-1.5 करोड़ रुपए जमा किया, फिर ये 15 लोगों की टीम 50-60 लोगों की हो गई 99 को हमने वेबसाइट लॉन्च की। उसी समय जो पहले के जो प्रमोटर थे उनको ये मॉडल पसंद नहीं आया, उनका ये क्या कर रहे हो, पूरा फ्री कर दोगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे। उस समय वेंकट ने ज्वाइन किया एज अ प्रमोटर, जो पहले वाले प्रमोटर थे वो निकल गए और वेंकट आ गया, मेरे साथ 2 जन और थे पहले। और फिर हमने ये वेबसाइट लॉन्च की 99 में। वेबसाइट लॉन्च करने के कुछ महीनों के बाद में CDC का इन्वेस्टमेंट आया $1 मिलियन। सो CDC ने जो $1 मिलियन इन्वेस्ट किया उस समय मेरे ख्याल से उनको 12.5% स्टेक दिया हमने, वो कुछ $8 मिलियन। तो कंपनी का नाम क्या प्रॉबिटी होता था उस समय जिस समय CDC का इन्वेस्टमेंट आया? हाँ, उसी समय हमने जिस समय 99 में जब वेबसाइट लॉन्च की तो वेबसाइट का नाम था indianfline.com, क्योंकि हमने कहा पूरे इंडिया के ऊपर इन्फॉर्मेशन रहेगी, सब फॉरेनर्स FIs को जरूरत होगी, तो उस समय कंपनी का नाम भी चेंज करके इंडियन फ्लाइन कर दिया। और जिस समय ये CDC आया उसी समय जिस समय तो CDC का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आया, कंपनी का नाम बाद में चेंज हुआ जहां तक मुझे याद है। और उसके बाद फिर हमने ये वेबसाइट पॉपुलर हो गई क्योंकि उस पर रिसर्च थी और काफी सारी इंफॉर्मेशन थी, पर जो फिर जल्दी से समझ में आया कि इस वेबसाइट से पैसा नहीं बनेगा क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट इनकम बहुत कम है, इंडिया में सबको फ्री चाहिए सब चीज, कोई भी चीज आप भले आपके काम की नहीं हो फ्री तो ले लेंगे, तो मुफ्त में आप भले किसी को कुछ भी दे दो तो वो एक बार रख लेता है, मतलब ऐसा है। तो उसके बाद हमने फिर सोचा कि इसमें पैसा कैसे बनेगा, तो उस समय इंटरनेट ब्रोकिंग नहीं थी और US में E-Trade जो है वो लॉन्च हुआ था, काफी चल रहा था, पर तो हम लोग E-Trade से मिलने गए थे एक्चुअली, पर E-Trade का तो हमारी जो नेटवर्क थी उससे 50 गुना तो उसके CEO की सैलरी थी मतलब, तो ऑब्वियसली उस समय बहुत छोटे थे और कंट्री इंडिया भी इतने रडार पर नहीं थी, तो उस समय कोई अलायंस होना पॉसिबल नहीं था। फिर सबसे पहले हमने जो FT है उनके ओडिन सॉफ्टवेयर से कामकाज चालू किया, फिर पता चला कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो साधारण इन्वेस्टर के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हैवी ड्यूटी ट्रेडर्स के लिए है, तो हमने अपना काम चालू किया इंटरनेट का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और कुछ जैसे स्पाइडर सॉफ्टवेयर एक दो फर्म के साथ मिलके हमने ट्रेडर टर्मिनल बनाया जिसको करीबन 1-1.5 साल लगा, हमने फिर वो 2001 या 2002 में ट्रेडर टर्मिनल लॉन्च किया। और उस समय करीब करीब ये कंपनी क्योंकि 95 से लेके 99 तक तो कुछ हो नहीं रहा था, फिर हमने एक बार पैसा रेज किया CDC से और एक और राउंड रेज किया ICICI वेंचर इंटेल से, और उसके बाद में हमारा इश्यू होने वाला था NASDAQ पर $75 मिलियन का, CLSA और Citibank बैंकर थे, पर हमारे से एक वीक पहले रिडिफ का इश्यू हुआ और रिडिफ का स्टॉक जो है वो इश्यू प्राइस से नीचे चला गया और पूरा मार्केट उस समय क्रैश हो गया। तो मेरे ख्याल से जो NASDAQ है वो करीबन 5200 वाली इंडेक्स क्रैश होते होते एकदम एंड में तो 1300 भी आ गई थी, तो वो एक इंटरनेट का पहला क्रैश था, तो हम लोग कोई पैसा रेज नहीं कर सके। और उस समय 2001 से लेकर 2002 तक 18 महीने बहुत डिफिकल्टी हुई क्योंकि सर्वाइव करना ही मुश्किल था क्योंकि स्केल हमने बढ़ा दिया था सोच के कि पैसा रेज होगा, बट देयर वर गुड लेसंस टू लर्न, जैसे तैसे करके हमने सर्वाइव किया। 2002 एंड में ये कंपनी ऑलमोस्ट बिक चुकी थी एक्चुअली, हम लोग किसी बैंक की सब्सिडियरी को कंपनी बेचने की डील हो चुकी थी, पर फॉर्चुनेटली किस्मत हमारी थी कि वो लोग बैकआउट हो गए, नहीं तो $1 मिलियन में डील indianfoline.com हाँ indianfoline पूरी कंपनी और नाम नहीं लूंगा मैं किसको बेचने वाले थे हम लोग, पर ऑलमोस्ट वो लोग ही बैकआउट हुए, पर वो भी अच्छा हुआ कि 4 करोड़ रुपए अगर बिकती तो 2 करोड़ रुपया तो लाइब्रेटी और एम्प्लॉय में चला जाता और हमको मुझे वेंकट को 2 करोड़ रुपया मिलता तो करोड़पति बन जाएंगे और उसके बाद फिर जॉब कर लेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि किस्मत है और छोटा 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 ऐसा हुआ कि 2003 मई 12 मार्केट टर्न। सो जैसा मैं बता रहा था 1995 से सेंसेक्स जो है 1995 से लेकर 2003 तक सेंसेक्स 3000 के आसपास ही रही। तो ये जो शेयर बाजार में लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कभी कभी क्या होता है इस मार्केट में
और 2003 से 2008 के बीच में सेंसेक्स 3000 से 21000 हो गई। यस, तो ये मार्केट में अगर 1995 से कोई इन्वेस्ट करे और मार्केट चला ही नहीं 8 साल तक करीबन, खाली आईटी सेक्टर चला बीच में। सो 2003 May 12th, I think, was the turning point, you know, because we were tracking market every day. Our terminal was good. After that, what happened? Internet trading, although our brand was not good, nobody knew about the Indian Flying. ICICI was very popular because the brand was the bank. But the product was good, the experience was very good on Trader Terminal. So it was popular. And in 2003-04, we had a turnaround, a little profit. In 2004-05, the profit was three times from there, which was a little profit. फिर 2005 में हमने आईपीओ लेके आए, छोटा सा आईपीओ, करीबन मेरे ख्याल से 60-70 करोड़ रुपया रेज किया 20-25% डाइल्यूट करके। और 2005 में आईपीओ के बाद में, जैसे कि 2003 से 2008 तक मार्केट का बुल रन था, बहुत ही स्ट्रांग बुल रन था। और जैसे मार्केट चल रहा था तो ब्रोकिंग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। फिर हमने 2007 मेरिल लिंच ने इन्वेस्ट किया 2006-07 में डायरेक्टली इनके प्रोप्राइटरी यहाँ से, करीबन $20 मिलियन अराउंड 15% स्टेक उन्होंने लिया लिस्ट होने के बाद में। मेरिल लिंच ने हमको बताया कि ये फाइनेंस का बिजनेस कैसे होता है, मॉर्गेज का और लैंडिंग का। उन्होंने उनके ये कॉन्फिडेंशियल डील थी जब मेरिल लिंच ने इन्वेस्ट किया, और जो मॉर्गेज के बारे में वो बताना नहीं चाहते थे कि ज्वाइंट वेंचर NBFC इनको करनी थी, मतलब उसके ऊपर काफी काम हो रहा था इंटरनली, क्योंकि उनको भी इंटरनल अप्रूवल की जरूरत थी। पर हमने काम चालू किया उसके ऊपर। फिर हुआ क्या कि सब प्राइम क्राइसिस आया, और जो मेरिल लिंच थी उनको यूएस में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, आपको अगर पता हो 2007 में, तो वो भी एक बार बैकआउट हो गए इसमें से, और जो इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। और हमारे पास टीम थी और सॉफ्टवेयर था, और तो हमने टीम को कहा कि उनको कुछ मेरिल लिंच से कॉम्पनसेशन मिला, टीम जो थी, क्योंकि उनको मेरिल लिंच के नाम पर रिक्रूट हुए थे वो लोग, और तो उनको मेरिल लिंच ने 1.5 साल की सैलरी दे दी। फिर हमने कहा कि देखो, अगर हम लोग पैसा रेस कर पाएंगे मार्केट से तो हम लोग NBFC करेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो नहीं करेंगे। पर पैसा रेस हो गया करीबन 150-200 मिलियन डॉलर NBFC में और दूसरी कंपनी में, $300 मिलियन रेज हुआ एक्चुअली 2007 में, पेरेंट में, NBFC में और इंश्योरेंस कंपनी में, तीनों में मिला के। और फिर वो जो इन्वेस्टर था, उसके बाद मार्केट क्रैश हो गया 2008 में, लिवन क्राइसिस हुआ, फिर बेयर स्टर्न्स और ये सब जो हुए उसके बाद में, उस क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी थी तो उस इन्वेस्टर ने वो स्टेक हमको वापस बेच दिया, और उस तरह से IIFL फाइनेंस की शुरुआत हुई 2007 में। उसी समय बिकॉज वी वांटेड टू बिल्ड अदर बिजनेसेस बेस्ड ऑन द बेस्ट क्वालिटी पीपल, तो जो CLSA की टीम थी उन्होंने ज्वाइन किया हमको फॉर आवर स्पेशल बिजनेस, तो उनको करीबन 15% ऑफ इक्विटी हमने दी। फिर हमने एक अपनी वेल्थ की जो टीम थी वो अच्छी सी टीम कोटक और कुछ और जगह से 2008 में वो स्टार्ट किया वेल्थ का बिजनेस, तो एक सब्सिडरी कंपनी में उनको पहले 24% स्टेक दिया, उसके बाद में उनको और स्टेक दिया बाद में। तो इस तरह से ये दोनों बिजनेस जो है 2007-08 में शुरुआत हुई। तो निर्मल सर, व्हाट कुड बी द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट फॉर यू एज एन एंटरप्रेन्योर आपके हिसाब से, यू नो, ओवर द लास्ट 25-30 इयर्स आपके हिसाब से? So there were very many defining moments, but one was listing. Achha. The second was starting ये दूसरा जो अपना wealth और institutional का business जो शुरू किया वो। उसके बाद हमने international business भी शुरू किया, मगर वो काफी loss हुआ उसमें, वो हमने wind up कर लिया। तो हमने श्रीलंका में सबसे पहले broker थे license मिलने वाले, हमने फिर MS में भी जाके अपनी company register कराई और booking का license, सिंगापुर में भी, US में, सब जगह पे हमने subsidiary company खड़ी की, काफी सारे लोग hire किए 2010-11, क्योंकि 2008-09 जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद सब जगह पे बिजनेस की हालत खराब हुई, सब लॉस हो रहे थे, तो 2010-11 में हमने सब वाइंड अप कर लिया। सर मैं एक और चीज सोचता हूँ कि मैं अगर लास्ट इंडिया के 20-25 साल देखूं, तो यहाँ पे जैसे आपने रामदेव सर का नाम लिया, यू नो, संजय सर का नाम लिया या और भी है, लेकिन 20-25 साल में बहुत लोग बहुत बड़े बन नहीं सके एज एन इंस्टीट्यूशन। एडलवाइज है, चलो ठीक, बट आप हम सबको पता है अभी दे आर स्ट्रगलिंग, मोतीलाल ओसवाल ऑफ कोर्स डूइंग गुड, एंजल इज डूइंग गुड, बट ये 3-4 लोग ही हैं जो IIFL हुआ, ऑफ कोर्स, यू नो, जो बड़े भी हुए हैं और कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर रहे हैं। व्हाट इज दैट थिंग इन निर्मल जैन, यू नो, आई ऑलवेज फाइंड यू एज अ वेरी एग्रेसिव गाय,
आपको क्या लगता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आप में क्या है जो शायद दूसरों में नहीं था जो यहाँ तक पहुंच सके? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपके साथ आए, आई थिंक सबने जर्नी सेम टाइम पे ज्वाइन किया, शुरू किया. तो नहीं, सब काफी सक्सेसफुल है. अगर आप देखो तो एडलवाइज, मोतीलाल जी, और इन्होंने भी काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन खड़े किए हैं. पर अगर यह आपकी बात ये सही है कि कुछ चार पांच लोग हैं, गिने चुने नाम हैं, और बहुत सारे लोग शायद हो सकता है कि होशियार भी हो, सब हो, पर जहां तक मेरी समझ है बिजनेस में मतलब तीन एच जो है वो काम करते हैं. एक है ऑनेस्टी, दूसरा है हार्डवर्क, और तीसरा ह्यूमिलिटी. तो आप एक तो ईमानदारी से काम करो, दूसरा आप मेहनत करो, और तीसरा आप विनम्र रहो, नम्र रहो, तो काम ठीक से होता है. क्योंकि क्या होता है कि कल क्या होगा वो आज हमको पता नहीं है, पर जैसे भी सिचुएशन हो, अगर आप हम्बल हैं और आप अगर सीखने को तैयार हैं, और गलती अगर खोती है, और गलती होगी, पर अगर आप अगर गलती से सीखेंगे तो काफी इस देश में अपॉर्चुनिटीज बहुत है कि आप अगर स्ट्रेट चले तो बहुत आगे जा सकते हो. आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. सर हमने आप सॉरी सर हमने हेलो मधुसूदन मधु स्पेशल गेस्ट भी बुलाए साथ में थे. हाँ, मोतीलाल जी की जो सक्सेस है उसमें थोड़ा हमारा दोनों का योगदान था, छोटा सा. मैंने सोचा सर कि आपको क्वेश्चन करने के लिए शायद हम छोटे रहेंगे, तो मैंने बड़े हमारे गुरुदेव बुलाए मधु सर, ताकि ये आपसे क्वेश्चन कर सके आपके बारे में, आईएफएल फाइनेंस के बारे में. तो हमारे लिए ये स्पेशल एडिटर है आज के सर, आपके लिए छोटा सरप्राइज भी है. नहीं, ये पिछले 25-30 सालों की जर्नी में देखे तो सक्सेस में आई थिंक फोकस जो बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, पर अगर वो दूसरी चीजें नहीं है उनमें, अगर ह्यूमिलिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, और अगर हार्डवर्क नहीं करना चाहते, बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम होती है. एक चीज मैंने और देखी है कि अगर फोकस नहीं हो और आदमी एक की जगह बहुत सारे काम करेगा क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो फिर वो अनबिल्डी हो जाता है. जैसे पोर्टफोलियो भी, अगर आप 50-100 स्टॉक ले लो तो फिर उसका रिटर्न एवरेज हो जाता है. नहीं मधु? यस. तो एक बार मेरे को इसने मुझे बोला वरिंदर ने कि बॉस तू निर्मल को जानता है, पर आज हम निर्मल से वो चीज सीखेंगे जो तू भी नहीं जानता है. बोला यार तो फिर बहुत अच्छा, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. हमने तो हमेशा सीखने के लिए ही लाइन में खड़े हम लोग सब सीख रहे हैं. एक्चुअली सर हेनरी फोर्ड है, किसने कहा था कि जिस दिन सीखना बंद हो जावे, द डे यू स्टॉप लर्निंग, योर जॉब ऑन दिस अर्थ इज ओवर. You asked about three factors. Can I chip in, Varinder? Of course, sir. All yours. So, you asked about three things. Honesty, hard work, and humility. If I can connect the Nirmal Jain, which I want, which I know for last 25 years, and I have seen you in many, many phases. And first of all, congratulations, my friend. And you are making all of us proud. You are a torchbearer for all the professionals who have aspirations and who are wanting to become entrepreneur. I think you congratulations to you also, Madhu and Varinder. All of you have done well in your own field. Aur log aapko bhi dekhte hain inspiration ke liye. No, but you are a special inspiration, my friend. Let's not be humble here, because coming from, I know you since Hindustan Lever days, and we have worked together. And you know, so one factor which has struck me, Nirmal, about you is resilience. In a sense, in spite of all the adversities which come your way, including we saw what happened in 2008, we saw what happened at the time of demonetization, sometimes the money stops coming, you know, अपने तो कोई माई बाप है नहीं ऊपर, अपने महिंद्रा टाटा तो अपने ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि इररिस्पेक्टिव कुछ भी होएगा पैसा आते ही रहेगा, राइट? सो व्हाट इज दैट व्हिच कीप्स यू सो रेजिलिएंट, एंड वेयर डू यू गेट दैट विल पावर फ्रॉम इन इन द इवेंट ऑफ एडवर्सिटी? व्हाट कीप्स यू गोइंग? सो एक्चुअली व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक अपॉन, देन यू विल फाइट. जैसे अगर पानी में एक बार आपको अगर छोड़ दो तो देन यू नो टू सर्वाइव यू हैव टू स्विम. और एक्चुअली यू नो जेनेटिकली, बट आई मे बी लिटिल बायस्ड, आई डोंट वांट टू से दैट एनी पर्टिकुलर रेस इज बैड और गुड, बट जो मारवाड़ी है यू नो बिकॉज उनका होम स्टेट वाज वेरी डिफिकल्ट, रेगिस्तान था, डिफिकल्ट था, दे गो आउट, सो दे आर इमिग्रेंट्स इन अदर प्लेसेस. एंड आई मीन आई थिंक वर्ल्ड ओवर दोज हु आर इमिग्रेंट्स दे वर्क हार्ड बिकॉज द कंपल्सन टू सक्सीड इज वेरी स्ट्रांग. So if you see, I'm sorry, I'm, I'm,
आई विल स्टॉप यू हियर, आई एम सॉरी, बहुत ही क्या है वो जनरिक क्वालिटी, मारवाड़ी का एडवर्सिटी है, राजस्थान है, वो तो सब अपने को सब पता ही है. What is special about you? So let's say you went home today and तेरे को पता है कि 500 करोड़ रुपया आपको चुकाना है और बैंक में 5 करोड़ भी नहीं है और मेरे को पता है वो डेट हमने साथ में गुजारे हैं. And while I was in Reliance Mutual Fund, I also did my bit to help you in various occasions. What makes you resilient at that point of time? That is the most important thing. When वो तो सब मारवाड़ी वारवाड़ी जनरिक कहानी तो ठीक है यार, वो जो 5 करोड़ बैंक में नहीं है और 500 करोड़ चुकाना है और फिर भी हिम्मत करके नेक्स्ट डे आना है और उसको फाइट मार के 500 नहीं 600 करोड़ रेस करके आगे बढ़ जाना है. तो आई थिंक दिस हैपेंस बिकॉज़ ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि अगर सर्वाइव करना है, आई थिंक ऑल ह्यूमन बीइंग ना, सर्वाइवल इज द बेसिक इंस्टिंक्ट. कि अगर आपके पास जो फॉल बैक नहीं है एंड यू आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, यू हैव सीन योर पेरेंट्स स्ट्रगलिंग, your grandparents struggling, then you know that gets into your so psyche in your genes that you know you have to survive. So I mean, baki to pata nahi kya hota ki, you know, sometimes luck also helps. Ki agar kismat bhagwan bhi agar saath deta hai to kaam, agar himmat hai khud mein to then luck also helps, you know that. Absolutely, then no doubt. So Nirmal, abse ek cheez hai, but I think intent should be good. Yeah. Intent ye hona chahiye ki mere ko 500 crore chukana hai. बराबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 500 करोड़ चुकाना नहीं, मैं भाग जाऊंगा या कुछ और करना है, या अगर वो इंटेंट नहीं है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर इंटेंट ऐसा है कि भाई मेरे पास अगर भले मेरा एक भी पैसा नहीं रहे, बट आई विल नॉट डिफॉल्ट. This is most important thing, Varinder, that honesty which he connects with, basically, कि बहुत हमको तो अच्छा काम करना है और अच्छे प्रकार से करना है, हमारा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, हमको किसी का पैसा नहीं खाने का. There lot of people at this Nirmal, the other point before I come to IIFL Finance, and I have one question on that. अभी क्या है, 25-30 साल हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, fortunate हो गया, इतने company 4 करोड़ में नहीं बिकी, you know, all boxes are ticked. Basically, पैसा हो गया, घर हो गया, network हो गया, market cap हो गया, इज्जत बन गया, सब कुछ हो गया है. Now, what makes, what keeps you going, and where do you want to go? Whether it is in terms of numbers, whether it is in terms of aspiration, whether it is in terms of contribution to society, let's say if I look back, and I'm sure you'll be around at least for next 20 years, what is the unfinished agenda of Nirmal Jain personally and IIFL group as a whole? No, what you said is right, ki that you know, ki we have played our inning aur bahut sara kaam ho gaya. और दुनिया चलते रहेगी और बहुत सारे आगे मतलब नो मेनी अदर थिंग्स विल हैपन. पर अभी सो अनफिनिश मे बी ये हो सकता है कि अगले 5 या 10 साल तो मैं ये बिजनेस चलाऊं, और उसके बाद आई थिंक गॉड विलिंग अगर हेल्थ और सब कुछ ठीक रहा तो सोसाइटी में बहुत काम करना है. और जैसे हमने अभी आईएफएल फाउंडेशन से जो चालू किया गाँव में राजस्थान में स्कूल्स, तो अभी 1200 स्कूल चल रही है, कुछ 35,000 बच्चे लड़कियां जो है वहाँ पे जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं उनको हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम है. तो ये जो 10-20 साल अपने को चैरिटी और फिलेंथ्रोपी का काम भी करना है, क्योंकि आई थिंक दैट इज ऑल्सो द अनदर इनिंग दैट वी हैव टू प्ले एंड डू समथिंग विच इज मीनिंगफुल. सो अपना ऐसा है कि अगर अपना ऐसा टारगेट होना चाहिए कि चलो पैसा तो बना लिया, वी शुड एक्चुअली चेंज लाइव्स ऑफ 1 मिलियन फैमिलीज, एंड दैट आई थिंक विल हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट इवन व्हेन यू आर नॉट देयर. अनडाउटेबली, एंड अ वेरी गुड कॉज एंड वेरी गुड इंस्पिरेशन, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव एट समवेयर इन आवर माइंड दैट यू नो वी वांट टू गिव बैक, एंड इन ईच वन ऑफ अस आर डूइंग इन आवर ओन वे, यू नो, स्मॉल बिगिनिंग्स. And that undoubtedly is a great at some agenda. Stage, I'll have to get out of, retire from the business and do this, which may be 10 years away, which may be, you know, what time, I don't know. But some stage, then you have to give it to the professionals or people who run it.
then only you can do justice to that. This will not abhi kar rahe, me, I'm involved, my wife is also involved. But unless it's a full-time thing, I think uska maja wo nahi aayega jo aana chahiye. Then whatever you learned as a business, you can apply it and see what difference you make to the social cause. Fantastic. Last point is, इसको एकदम दिल से आंसर करना दोस्त, कि we are not getting into any guidance, no numbers, nothing. See, I have known you. I can see in the IFL group, there are two businesses which are very, very close to your heart, which I am learning as an outsider, right? One is IFL Finance and second is 5paisa. The other wealth business, even though you have ownership, but there is someone else who runs it. Like security business, again, you are not directly involved in the security business. You are involved in these two businesses. So what is the agenda here? What are the possibilities in the next 3, 5, 10 years? What are we aiming? How differentiated this platform will be? And if you can talk about each of these two businesses, it will be great. And again, no guidance, no numbers, no holding you. It is only aspirations which you are talking about and nothing else. So, pehle ek chota sa correction ye na ki all businesses are close to my heart. But fortunately, kya hai ki wealth mein Karan is running it, security Venkat is running it, and they are more competent, if not as competent leaders. They know the business very well and they're doing it the right way. So my time there is less, but what we are saying is that at this point in time, my... Nirvan, mute chala gaya mute. Sorry, can you hear me? Yeah. My apologies. I'm saying all four businesses are close to my heart, but fortunately in wealth and securities, we got good leaders and who are running the business very well. Wealth is run by Karan and security is by Venkat at this point in time. So usme mera time jo hai wo kam ja raha hai is samay kyunki dono businesses mein kafi that is what I meant. Haan. Par business to sab apne matlab they are very good businesses and I don't think that I can say that some business is less close to heart or more close to heart, but my time right now is more into these businesses. So maybe to answer your question, IFL Finance or 5paisa. So IFL Finance जो है वो इस business को जब शुरू किया था, then from retail we got distracted into wholesale, which is real estate business, but now we are back to retail, which is our core. I see great opportunity here. It's very exciting. जैसे कि भाई अगर तुम्हें सब कुछ है फिर भी क्या है, क्योंकि काम करने में मजा आता है, because it's good business. What is exciting in this business is technology is changing lots of things. There are tremendous opportunities. अब आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों यही बोल रहे हैं कि बैंक और एनबीएफसी को मिलके काम करना चाहिए. देयर वी सी इवन मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अगर मिलके काम करेंगे तो बैंक की बैलेंस शीट यूज हो सकती है और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है और रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज है वो यूज हो सकती है बिना कैपिटल के. तो दैट गिव्स इट ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो विदाउट कैपिटल. दिस काइंड ऑफ एक्साइटमेंट वॉज नेवर देयर इन एनबीएफसी. क्योंकि क्या होता है कि जैसे वरिंदर जी ने शुरू में कहा कि एनबीएफसी में हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसे कैपिटल गजलिंग बिजनेस, और हम लोग जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि अगर बिजनेस डाइल्यूट होते रहे तो उसमें उतना मजा नहीं आता. वंस इन अ व्हाइल यू कैन रेज कैपिटल, दैट इज फाइन, बट अदरवाइज एनी बिजनेस व्हिच इज अ कैपिटल गजलिंग बिजनेस, शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज यू नो दे एवरी 2-3 years इफ यू कीप डाइल्यूटिंग दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस. बट नाउ व्हाट वी आर सीइंग द अपॉर्चुनिटी इज द रिटेल स्मॉल टिकट लोन. बैंक्स आर नॉट एबल टू रीच द अल्टीमेट बोरोवर एंड the opportunity is so big. If they have to do this, many people say, "Are bank kar lenge, bank kyun nahi kar rahe?" Bank will have lakhs of people, new people to hire to do this, which obviously they are neither, neither is advisable nor is viable for them to do that. Secondly, the technology which is working is again very complex, very diverse. So we also connected with many fintech players, and everybody has to specialize in the last mile connectivity and technology for every business separately. So IFL Finance business ka jo future hai, that is three things, you know, that should define it. Retail. So chota 15-16 lakh rupaye ka home loan hai, 50-60,000 rupaye ka gold loan hai, 3-4 lakh rupaye ka business loan hai. These are the core pillars of this business. Chote business mein, retail mein kya hota hai ki aapke paas bada lumpy risk nahi hai.
और अगर कोई रिस्क है तो आपको पता चलती है नंबर से, क्योंकि यहाँ पे अचानक आपको कोई टाइटेनिक की तरह आइसबर्ग विल नॉट हिट यू. देयर आर स्मॉल स्मॉल लोन्स विच यू नो यू कैन कीप इंप्रूविंग योर प्रोसेसेस एंड यू नो वेयर द प्रॉब्लम इज. द टेक्नोलॉजी जितनी यूज करेंगे उतना कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है और कॉस्ट कम होती है. और जो तीसरी चीज है वो है बैंक के साथ पार्टनरशिप, क्योंकि बैंक जो है उनको उनके बैलेंस में रिटेल लोन चाहिए और वो जितने रिटेल लोन की जो एपेटाइट है, जितने डिपॉजिट्स आ रहे हैं, वो खुद सोर्स नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना इतना उनका जो नेटवर्क है, जो उनके लोग हैं, इसके लिए काफी नहीं है. सो दे आर वेरी हैप्पी टू पार्टनर विद अस एज अ को-लेंडिंग पार्टनर. अगर ये इस तरह का जो मॉडल अगर चलेगा तो दैट्स वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि आर कैपेबिलिटीज टू सोर्स रिटेल, डू इट मोर इफेक्टिवली विद टेक्नोलॉजी, गिव इट ऑन द बैंक्स बैलेंस शीट अलोंग विद द रिस्क. सो दैट इज समथिंग विच यू नो वी वांट टू स्केल अप. मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर ये मॉडल अच्छे से चला तो वी कैन हैव अ वेरी गुड ग्रोथ इन दिस ओवर नेक्स्ट 5 years. दैट इज वन अबाउट IIFL फाइनेंस. कमिंग टू 5paisa, नाउ दीज आर माई कैंडिड व्यूज, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनीबडी एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनीबडी. दे आर वेरी स्मार्ट प्लेयर्स इन डिस्काउंट ब्रोकिंग, बट वॉट एवर आई हैव सीन दिस बिजनेस फॉर 30 years, दैट मेनी पीपल आर रनिंग आफ्टर नंबर ऑफ कस्टमर्स एनी वे, थ्रोइंग लॉट ऑफ मनी ऑन acquiring customers. That model, I am not very sure whether it's a long-term model, but people who are serious investors and serious traders, and if you understand their requirement and build a model, I think it would be a great model to work from a long-term point of view. So, ab is discount broking space mein kya hua hai ki we started as an original discount broker, but bahut jaldi tha wo, way ahead of time. Aur us samay mobile internet technology were not so well developed. So, in 2011, Zerodha started, did a great job. And they got in at right time, they scaled up and they built a tremendous franchise in terms of customers and the product. Uske baad mein, there are many players who are getting in and the numbers of the metrics that they're chasing is number of customers, which I think cannot be the right metrics to chase. We believe 5paisa has got a great product in terms of technology, understanding of the customer, risk management, and we understand what investors and traders need. And in 3 to 5 years, jury is still out. Because these numbers are what we are looking at. Discount broking is an interesting space, to my mind. Of course, we were the original in 2001. We got out of it. In 2010-11, I think Zerodha got in. They redefined the space. We came back in 2016. Mein yes. Sorry? Nothing, sir. Sorry. So, I think, you know, I can only say this, that we understand this business, that's what we believe. And we want to play this business for long term, 3 to 5 years and not for 1 or 2 quarters. Madhu sir, can I ask a question? Yeah, please. Sir. Okay, thank you, Nirmal. Fantastic. Thank you so much. Sir, aapne koi IIFL Finance mein to pucha nahi, Madhu sir, ek question koi, baki thoda aggressive. अब आपके लिए कुछ छोड़ा है नंबर वंबर आप पूछ लो यार. नहीं कोई आपको कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे IIFL फाइनेंस पे तकड़े क्वेश्चन हो सर जो यू नो जो हम ना कर सके. देखो अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन पूछे निर्मल, ये जो लॉन्ग रनवे व्हिच वी आर एबल टू सी फॉर NBFC, डू यू थिंक दिस बिटवीन 25% and 35% काइंड ऑफ अ ग्रोथ एंड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस 25% ROE इज व्हाट इज पॉसिबल फॉर IIFL फाइनेंस फॉर द नेक्स्ट 5-7 years? So I think we'll work for that. We'll work. That's our target. So whether it's possible or not, the time will tell. But see, you know, it depends on many other things, because if something happens to the economy, something happens to the business cycle. But Madhu, I think that is what we should target. Never through the cycle. I'm saying what the cycle kharab hoga, sab log jayenge. You're saying is right, that through the cycle, this is what should be the target and should be achievable to my mind. Should not be... It's not impossible. It's like is a stretch target, but it's workable. So इसका कहने का मतलब है सर कि आपका 2000 करोड़ का प्रॉफिट दिखता है 2-3 साल में. देखो इसमें क्या है कि अपनी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज आर सो गुड कि यू हैव टू कीप मूविंग स्ट्रेट लाइन. दैट्स इट. कभी थोड़ा ज्यादा ग्रोथ होगा, कभी कम ग्रोथ होगा. बट यू यार तू बड़ा कंजर्वेटिव है. 2000 करोड़ तो 2 साल में आ जाएगा. और अपने निर्मल के ऊपर घोड़े के ऊपर इतना दाम थोड़ी लगा रहे 2000 करोड़ प्रॉफिट के लिए. I am asking what are the possibilities over the next 5-7 years, and I don't want to, this... Madhu, I think you know you are always a trader and very ambitious, but I don't want to get into numbers here. No, we are not getting into numbers. No. I am actually dissuading him to put a number. We are saying
that if the environment remains good, the company can grow aspirationally between 25 and 35%, and they can achieve a 25% ROE. Is that the right thing to look, Nirmal? It's the right thing to target and look. But one thing has happened, that NBFC environment has improved significantly. You know, kya hota NBFC mein? Jaise 98 mein bahut bada overhaul hua tha. Uske baad mein, suddenly the environment became very good for NBFCs. And that is when Sriram Transport and, you know, company was created and they scaled up. 2003 ke baad mein, again, after every crisis, when things open up, environment for NBFC improves. So, Madhu sir, 1 minute aapka lunga main, I'll stop you here. You know, because you will know better about NBFCs when Nirmal sir is here. Sir, what is the difference between IIFL Finance and other NBFC companies? So I was talking to an investor who has been with you, invested in your company since last many, many 10 years. So unka kehna tha ki yaar, IIFL Finance is like an Uber of financial services. And they are now getting into fintech lending, you know, jo logon ne nahi kiya. So when I think about IIFL Finance, how is this company different from many other companies? And as you said ki yaar, jab aapne chalu kiya tha, tab focus kuch aur tha, abhi focus kuch aur hai. Now things have changed. How evolved IIFL Finance has become, and now what is different in IIFL Finance compared to everyone else? See, primarily we are a retail company and a multi-product company, diversified company. So as an NBFC, we have multiple products and we are retail. Number two is that what you're talking about, Uber, is our aspiration and is a model towards which we are moving, which is that trying to get into more and more partnership and have banks take over our assets or co-lend. So these are the key differences, you know, in terms of that we are a diversified retail company. Our brand network is strongest. Our emphasis on technology is also very good. So if you look at the entire NBFC space, and mostly our 85% of our business is secured. So we are diversified, but not diversified into too many products. So we don't have 25, 30 products. We have about 3-4 products. Tejas, you can please ask questions now on the company. We'll focus on IIFL Finance. I think we have enough understanding of Nirmal as a personality, as an individual. So now we'll focus only on IIFL Finance, sir, you know, with your permission. Nirmal, so, you know, two questions up front. So when I look at the existing pack of NBFCs which are there, you know, typically NBFCs start struggling for growth beyond, say, 75,000, 80,000 crores. Hardly few NBFCs are there which have crossed 1 lakh crore mark, and almost all of them are backed by some big sponsoring parent. You have LIC, you have HDFC, and you have Sriram Transport Finance and few, but very, very few, like 4 or 5, not more than that. Okay. It's, you know, and that basically comes because, you know, it's a wholesale funded business, and usually after 5-7 years, typically there will be some crisis which happens and liquidity dries up, and, you know, the larger NBFCs, they just fall like a pack of cards. So one is, you know, as we grow from here, from 43,000-44,000 crores to close to 1 lakh crore in the next 4-5 years, what are we doing, you know, institutionally that will help us to sustain this kind of a size after 4-5 years. और कह रहे हैं निर्मल सर, तेजस ने ना फाइनेंशियल्स कवर किया कुछ 10-15 साल से, ये हमारे में हमेशा झगड़ा रहता है कि जब साइज बढ़ जाएगा तब ग्रोथ नहीं आएगा. So that was one question, Nirmal, and the second question was, you know, so you have mentioned co-lending a lot many times, and it appears that, you know, you want to scale up a business without the need for a lot of capital. That's a very interesting model. I don't think anyone in the listed space has ever tried or experimented with this kind of a model. I think maximum people do assignment of about 15-20%, not beyond that. So that's a very interesting model that you are trying to build. What will be the risks to look out for in this model as you scale it up? So I think two questions. One is that many NBFCs have not been able to scale up. So I actually have not really done a very detailed study to see how people have faltered, but I can imagine, I can understand what can happen. So every organization goes in different orbits, you know. So like when we started, there 1550 people, then 5,000 people, 50,000 people. So, you know, when you are less than 50 people, you're like a family.
then it becomes that at least your key people, you know their families, and then it becomes like a number and a organization which runs with processes. So in my opinion, I think that many organizations, basically there are two or three things that can go wrong. One is that you become defocused. So you try to do everything. And, you know, sometimes, you know, like people try to drink the ocean, you know, they want to do everything under the sun. And that is where many mistakes happen, because you can think that, okay, mere paas paisa hai, main iska hire kar lunga, CEO laga dunga, aur main alag alag business chalu kar dunga. But I think that is one thing that can go wrong, because it takes long time to learn a business and do justice to it. And learn like every business. So gold loan is a different business compared to home loan. And that way. Dusra jo hai, ki jo investment in technology, risk, compliance, audit, vigilance, and all these processes is very, very, is required significantly more than what people imagine. Also, building brand also is a different exercise. So what happens that the technology investment is for multiple things. It's also for risk control, is also for customer experience, is also for cyber security. So people, I think, underinvest in terms of the talent as well as technology for risk, for compliance, and for audit and vigilance. Now, the risk framework works, you know, at three different levels. So, you know, you have a risk which is pre-facto. Before you take any decision, you try and build a framework so that you try and prevent problems. Jis samay hum log transaction business kar rahe hain, us samay there's a credit underwriting which tries to track on a real-time basis. And then you have an audit which does post-facto. So wo audit aapko check karke batayega ki bhai, this was the risk policy which did not work or worked or which was violated. So I think all three things are required. A lot of investment is required in this. So agar organization ko bada karna hai, to my mind, I was fortunate to work in Hindustan Lever, which is a very large corporate, although it was many years ago. But then I worked that how a company like Unilever builds systems and invest in technology ahead of time. I mean, those days they were implementing ERP. And so that has to have a vision for any entrepreneur or any businessman to invest in these things a little ahead of time. Your distribution network, your technology, and risk management. So I think if you do that, then fortunately we are in a country where opportunity is tremendous. Isme aapke liye 75,000 crore ya 2 lakh crore koi bada number nahi hai itne bade desh ke liye. Par problem aapko demand side se, opportunity se nahi hoga. Problem kab hoga ki aap jab grow karne jaate ho to aapka culture maintain nahi hota. You hire people who don't fit into the culture. Ya aapke systems are, you know, falling apart. Your technology is falling apart. So I think these are the key things. So just to support all these important things, you know, technology, who are regulated. Another thing I don't want to underemphasize is work culture. Jab when you're hiring too many people, no, culture becomes very important. Kyunki aap thode galat aadmi le lo to pura culture kharab ho jayega. To aapke kitne log honge sir regulatory side pe ya technology side pe? Oh, technology side mein to we have 300 plus people. 300 plus people. On our own, and we do a lot of work from outside also. Our regulatory risk management is a big team again. So we have a regulatory, compliance, secretarial, legal, all these teams put together in all three companies, be another 150 people. Sir, maine suna aapne kuch 4,000 log hire kiye last 6 mahine mein. Ha. Itna to maine bank ka bhi nahi suna ki yahan itni hiring hoti hai sir. Kyunki humne nayi branches lagayi na, 350 new branches we started in last 6 months. But in Nirmal, तो क्या होता है कि जो साढ़े हमने टेक्नोलॉजी में काफी लोग हायर किए हैं और जो 350 नई ब्रांचेस लगी है, हर ब्रांच में 6-7 लोग लगते हैं. निर्मल, वन मोर क्वेश्चन. सो यू नो व्हेन द ग्रोथ स्टार्ट्स, ओके, सो इनिशियली एवरीवन हैज वेरी स्ट्रिंजेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बिकॉज बिजनेस इज देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, सो यू कैन पिक एंड चूज, राइट? सो आई एम आस्किंग फ्रॉम अ जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड वॉन्ट टू नो योर व्यू, हाउ यू लुक एट इट. ओके, but as the demand keeps growing, more competition keeps increasing, and when the competition increases a lot, then people start going down the risk curve. How does that happen? As in, where do people tweak the risk policies inside the company? Where does things start slipping from the hands of the lenders? And what are you doing so that you will never, you know, slip on those parameters? So
उसमें होता है क्या कि सी व्हेन यू आर स्मॉलर टीम नो देन पीपल नो यू हैव अ पर्सनल कंट्रोल ओवर दोज की पीपल बट एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज लार्जर द हायरार्कीज आर एडेड. आप समझ रहे हो जैसे क्या होता था कि अगर समझो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो नीचे ब्रांच से लेके मेरे बीच में दो या तीन हायरार्की होगी, अब छह या सात हो जाती है, बढ़ते बढ़ते जाती है. और उस समय क्या होता है कि अगर एवरी हर आदमी के लिए अगर ब्रांच का कोई स्टाफ है तो उसके लिए ब्रांच मैनेजर है वही कंपनी है वही लीडर है. और जो कल्चर सो द ट्रेनिंग कल्चर एंड रिस्क मैनेजमेंट में पूरा आर्किटेक्चर चेंजेस एंड यू नो आई रियली कांट सो द वंस यू गो फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर मेनी थिंग्स चेंज एंड हाउ डू डू आई मीन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक श्योर दैट वी ग्रो इन एन ऑर्डरली मैनर. और कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आप यू नो जैसे आप सब इन्वेस्टर्स हो डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, आप सबकी एक्सपेक्टेशन है कि इतना ग्रो करो ये करो, बट इफ यू ग्रो बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मली पॉसिबल देन यू विल हायर पीपल हु आर कल्चरली नॉट फिट एंड दे विल डू थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग एंड व्हिच विल क्रिएट अ बैड एनवायरनमेंट. राइट. सो क्या होता है अपॉर्चुनिटी मे बी ट्रेमेंडस बट योर ग्रोथ इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ टीम दैट यू कैन हायर एंड ऑर्डरली एक्सपेंशन. सो दैट इज वन थिंग व्हिच यू शुड कीप इन माइंड. सी 25-30% ग्रोथ इज अ गुड ग्रोथ, उससे ज्यादा विल बी अ लिटिल चैलेंज एंड देन यू नो इफ यू वांट टू रियली explode then there's a problem then you can improve also. It's a very good number sir. 25-30% kisko bol raha hai actually I'll be happy with that Nirmal, I'll be happy with 15-20% number also. But sir aapko to 15 saal ho gaye na company ko IIFL Finance ko, I'm sure there must be many learning curves here because aisa to nahi hai ki hai 15 saal mein kai cheeze hain. Bilkul aap what you are saying is right that that's why we have the at least confidence to scale up. But honestly, I was surprised that a lot of people even don't know ki, baki, this company, IIFL Finance, because I don't know why itna coverage nahi hai brokerages mein. Baki, almost kitna 50,000 crore ki book mein baithe ho aap log? 44,000 crore. Almost 50,000, 45,000 crore ki book mein baithe ho. Aur logon ko pata bhi nahi is company ke baare mein. Sir, tell me one thing. As you said, when you started with a different focus and now the focus is very different. What are the learnings in the last 15 years in terms of running this NBFC business? So, you know, we also got NBFC business running is that, you know, don't get distracted by opportunities which are short term or which appear on the horizon, very easy kind of a thing, because that is one thing. And secondly, I think one should not worry too much about what is happening in competition, how fintechs are getting valued, or what these are distractions, and distractions are there every time. So in 2007-8, there were distractions of real estate opportunity. So I think we should focus on the customer and build the business and not. So, you know, if you are 90% focus should be on customer and 10% can be on environment competition. But sir, correct me. Yehi to galti hai, sare NBFCs karti hai na. Jis tarike se mausam hota hai, us tarike se rang badal lete hai. You know, jis tarike se jo chalta hai, real estate chalta hai, to real estate ki book zyada kar do. You know, consumption chalta hai, to consumption ki book zyada kar do. And that is why we have seen none of the, bahut kam NBFCs, I'll say, have scaled to the level what they have been. Now, like, where is IIFL focus now? What do you think that, you know, that in the next 3-5 years, ki humara focus yahi rahega varne? So, humara jo focus is gold loan, business loan, home loan. Ye teen hai. And we'll do digital loan. Abhi kya ho raha hai ki jaise, abhi jo pehle real estate ka distraction tha, which was a mistake in hindsight. Abhi aajkal ek aur bahut badi cheez chal rahi hai, jisme hum log, we are not getting into that. Because we think our core is not there, and only time will tell whether that was the right decision or wrong decision. Everybody is getting into BNPL, buy now, pay later. Yeah. And you know, China with Tencent kind of companies have become several billion, $100 billion or much bigger than that. And India, every fintech, everybody is getting into buy now, pay later. But what we internally thought ki jo consumption loan hai, consumer loan hai, that is not our forte, that is not our strength. But our strength is more onto loans which are cash flow driven, business loan segment. And home loan or gold loan where your collateral is solid, you know, that is a non-depreciable collateral. We got into commercial vehicle, that also we did not do too well. That was again, with hindsight, it was not. So business is not bad, but we were not right people for that. So I think at least what we want to focus on is only the digital lending as much as possible for business loan. Business loan is one segment that we are interested in. In that, loan against property can be there and unsecured loan also can be there. Home loan and gold loan. These three are core products. Microfinance is the fourth core product. But microfinance has been very volatile. You have to be a little cautious there. Because some or other local problem keeps happening.
And that is where the caution is required. But these are four core products that we have at this point in time. There are many distractions, you know. Many people will come and say two-wheeler is a great product. Electric vehicle financing is a tremendous product. Construction equipment financing opportunities are rising. Buy now, pay later, or you know, these small ticket loans will be a $1 trillion opportunity. But at least whatever we learned, I don't know whether it's right or wrong. I can't comment on that. But we have to keep away from that and we have to focus on core products. Sir, what, like, if you can divide the 44,000 crore book into these four categories. So 44,000 crore, if you look at it, तो करीबन 15-16 हजार करोड़ रुपया होम लोन है हमारा और 14,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है गोल्ड लोन है और माइक्रो फाइनेंस 4-4.5 हजार करोड़ है और उसके अलावा जो बिजनेस लोन है वो 7-8 हजार करोड़ रुपया है इन टोटल और जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और जो कैपिटल मार्केट है वो करीबन 3 हजार करोड़ से थोड़ा कम होगा दोनों मिला के 2,200 करोड़ के आसपास जो है वो सीआरई है और 600-700 करोड़ रुपया कैपिटल मार्केट होगा तो इस तरह से अभी दिस इज द बुक. So, since a lot of retail investors will also be watching this interview, sir, so ek logo dar lagta hai ye unsecured word se. Is 44,000 mein kuch aisa unsecured agar kisi ke man mein aaye doubt aaye to wo kitna hai ki kitna nahi hai. So, microfinance pura hi unsecured hota hai jo ki kareeban 10% hai book ki. Aur so kul mila ke 15% ke aas pass jo hai unsecured hai. Par ye jo unsecured hai na wo bhi dekho kya hota hai agar hamara jo unsecured hai wo business loan hai mostly. अनसिक्योर्ड में भी अगर ओके आपका जो रिस्क है जो समझो 1-3% लॉस ज्यादा होगा वो प्राइस हो जाता है क्योंकि आपको उतना इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है. अगर आपकी अंडरराइटिंग पॉलिसी अच्छी है तो अनसिक्योर्ड पर से डरना नहीं चाहिए. पर जहां तक मैं पर्सनली समझता हूँ कंज्यूमर लोन हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, हम लोग उस सेगमेंट में नहीं घुस रहे हैं. पर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन जो है वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये लोन जो है काफी बैंक जो है वो भी इंटरेस्टेड है को-लेंडिंग करने के लिए. सर आपका ग्रोथ ना मतलब बिजनेस सेगमेंट्स का कुछ जो एंटिटीज हैं होम लोन में या गोल्ड लोन में उनसे भी अच्छा रहा है और आपके एनपीएस अंडर कंट्रोल भी रहे हैं तो आप ऐसा क्या चीज कर रहे हो. जैसे गोल्ड लोन का हम देखते हैं तो गोल्ड लोन का बुक आपका बहुत बड़ा है कंपेयर टू मन्नापुरम. आई एम नॉट कंपेयरिंग विद मुथूट. सो व्हाट हैज आईएफएल डन मतलब इन ऑर्डर टू हैव ग्रोथ आल्सो एंड कीप एसेट क्वालिटी इन चेक. सो ग्रोथ इज आई थिंक इन लाइन विद द मार्केट और जो गोल्ड लोन का ग्रोथ है बिकॉज वी आर सेट अप न्यू ब्रांचेस. अगर हमारे पास जो अभी हम लोग इस साल में 350 ब्रांचेस नहीं लगाई है तो ब्रांच से आ रहा है और ब्रांचेस धीरे धीरे अपना पॉस बढ़ाते रहती है तो वो एक है. दूसरा पिछले साल कोविड के टाइम पीरियड में अगर आप देखो तो हमारी ग्रोथ काफी कम हो गई एक्चुअली होम लोन और बिजनेस लोन में. अब फिर से बढ़नी चाहिए. हमने ब्रांचेस पे फोकस किया, डिजिटल प्रॉपर्टी हमारी अच्छी है वहां से भी लीड्स आती है और पूरे बिजनेस में ग्रोथ हुई, इंडस्ट्री में भी ग्रोथ हुई है तो वी आर ग्रोन अलॉन्ग विद दैट. वी मे ग्रोन लिटिल फास्टर इफ यू आर लिटिल मोर एफिशिएंट, वी कैन ग्रो लिटिल फास्टर. बट ऑल द प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री द लीडिंग प्लेयर्स हैव डन वेल इन दिस टाइम पीरियड. पर मैं तो ये सोच रहा हूं ना सर कि होम सेगमेंट में आपके यू आर कंपीटिंग विद एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईसीआईसी बैंक, ऑल दिस गाइस यू नो जो लोग बहुत सालों से है गोल्ड में मुठूत मन्नापुर हुआ उनके साथ कर रहे हो तो ऐसा क्या यू नो आईएफएल कर लेगा आगे जाके जो इन लोगों से टक्कर ले लेगा. वेरी सिंपल लैंग्वेज यू नो के आपने कुछ लोग एचडीएफसी से उठाए हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ किया है, आपका वो स्ट्रेटजी क्या है कि चलो यार हम लोग इनसे टक्कर लेते हैं. इसमें क्या है कि पहली बात तो मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है और सबका अपनी अपनी अलग अलग जगह है, अलग अलग नीच सेगमेंट है और जहां तक टक्कर लेने का सवाल है, अगर हम लोग जब पिछले 10 साल पहले अगर आपने प्रश्न पूछा होता तो ठीक था. आज तो हम लोग भी मतलब 44,000 करोड़ की कंपनी है, 2,000-3,000 ब्रांचेस हैं, 24,000 लोग काम करते हैं टोटल ग्रुप में और 5,400 करोड़ की नेटवर्थ है. तो मतलब अभी भी हम लोग मतलब हैं, मतलब अभी तो इतना मतलब हमारी भी कॉस्ट ऑफ फंड अगर जो हम लोग रीफाइनेंसिंग कराते हैं क्वाइट कंपेटिटिव, ब्रांड इज नोन, तो वी आर वन ऑफ द प्लेयर्स, वी हैव आवर सेगमेंट. पर मैं एक चीज बताता हूँ उसमें क्या हो रहा है कि जो लोन हम लोग करते हैं एक और अलग सेगमेंट है. अगर आप देखो होम लोन में सो जहाँ पे जैसे होम फर्स्ट, एप्टर्स, आधार है, ये लोग 12-13-14% पे लोन कर रहे हैं और छोटी लोन कर रहे हैं हमारे से भी. हम लोग जो लोन करते हैं वो 10% के आसपास करते हैं
और जो 15-16 लाख की लोन होती है, इसमें क्या होता है, ये जो छोटी लोन है ना, इन बड़े लोगों के लिए वायबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 6.5% पे, ये लोन वायबल नहीं है किसी के लिए, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, आपकी सोर्सिंग कॉस्ट ज्यादा है, सर्विसिंग कॉस्ट ज्यादा है, और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जो लोकल ब्रांचेस है हमारी, वो हम लोग कस्टमर तक पहुंच पाते हैं, तो काफी कंपेटिटिव है ऐसा। जो ये जिस रेट पे हम लोग ये लोन करते हैं 9-10 के आसपास, उसी रेट पे दूसरे बड़े बड़े प्लेयर भी वही लोन उसी रेट पे ऑफर करते हैं, मतलब थोड़ा 10-20 पैसा का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं है हमारी इंटरेस्ट रेट में, पर फर्क ये है कि बड़ी लोन नहीं है, छोटी लोन है, और हम लोग इसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं छोटी लोन में। और एक चीज और बताता हूँ, जैसे क्या बिजनेस लोन है, आप देखो 6.5-7 करोड़ एमएसएमई एंटरप्राइजेस है, उनमें से क्रेडिट पेनिट्रेशन बहुत ही पुअर है, 10% लोगों के पास भी पहुंचा नहीं है। इन सब लोगों को सर्विस करने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, बहुत सारे एनबीएफसी बैंक्स, सब लोग जितना चाहे उतना काम करें, फिर भी कम है। सर वो आपकी बात सही है, बट वो कह रहा अगेन इन अ वेरी सिंपल रिटेल लैंग्वेज, सबको बजाज फाइनेंस बनना है सर, लेकिन यू नो बहुत मुश्किल रास्ता है। अभी पूनावाला का आप देखेंगे कि हाँ भी सबको पूनावाला वो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। You have reached the stage which is very very good. Just trying to understand कि क्या risk factors हो सकते हैं या नहीं हो सकते आगे जाके। जैसे मैंने बोला कि आपका asset quality has been super, क्योंकि last 5 साल से देखेंगे तो you have kept all that in check. You know, जैसे आपने current को लेकर आए सर IIFL Wealth में, you know, securities में Venkat sir है, finance में क्योंकि ऐसा कुछ आपके बोलो कि वरन of course आप हो, you know, don't know, deny the fact, but आपको लगे कि यार हाँ हमने ये team बनाई है, यहाँ से लेकर आए हैं, these are the things what we want to place. So finance में हम लोग अच्छे leader लेके आए, पर unfortunately वो चले गए, मतलब bank पे चले गए, और अभी आदित्यपुरी सर खाली है सर। मिला था हमको थोड़े दिन पहले, पर I think उनका anyway वो healthcare और IT में ज़्यादा focus कर रहे हैं, उनको mentor कर रहे हैं। अच्छा इसमें क्या है कि बजाज फाइनेंस और हमारा बिजनेस मॉडल अलग है, अलग है। तो अगर आप मुझे पूछो हमको बजाज फाइनेंस बनना है नहीं बनना है, थोड़ा अलग है कि उनके पास कुछ उनकी स्ट्रेंथ है और उनकी कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम है, साइज बहुत बड़ी है, वो काफ़ी सारा अनसिक्योर्ड कर रहे हैं, उसको भी संभाल रहे हैं, तो बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है हमारा। हमारे कुछ कम ही प्रोडक्ट है, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं है, उनके पास कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़ी साइज है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग जगह, अलग अलग नीश है, अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है। अगर अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पर अगर किसी को कॉपी करो तो शायद वो मॉडल सक्सेस नहीं करता इतना ज्यादा। आप टीम के बारे में बात कर रहे सर, टीम जो है ना हमारे पास काफी अच्छे लीडर हैं, तो होम फाइनेंस में मोनू रात्रा इज देयर, हु इज लाइक होम फाइनेंस और इस इंडस्ट्री का वेटरन है, और आधा बिजनेस तो होम फाइनेंस है वो संभालते हैं। वेंकटेश जो है वो काफी माइक्रो फाइनेंस को इंडिपेंडेंटली देख रहा है। गोल्ड लोन में वी हैव अ बिजनेस हेड, सो जो मेरा काम है वो कितना ज्यादा नहीं है जितना बाहर से लगता है। और जहां तक एक लीडर की सवाल है, हम लोग बहुत ही, जब भी कोई अच्छा लीडर मिलेगा, विल डेफिनेटली पुट दैट लीडर आल्सो इन प्लेस, सो दैट आई कैन बी आउट फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजी एंड अदर थिंग्स, बट दैट इज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। बट एनबीएफसी बिजनेस अगर देखो तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस वी हैव कोर लीडर्स हु आर हैंडलिंग द बिजनेसेस एंड दे आर इंडिपेंडेंट, सो जस्ट लाइक करंट वेल्थ में मोनू रात्रा इज हैंडलिंग होम फाइनेंस बिजनेस वेरी इंडिपेंडेंटली। ऑफकोर्स सर, एक तेजस का क्वेश्चन था, आई थिंक वो आपने मिस कर दिया कहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका बिजनेस मॉडल के बारे में सर। आई थिंक व्हाट ही आस्क्ड इज दैट 75-80% इज ऑन बुक्स एंड रेस्ट असाइंड, राइट तेजस? या या करेक्ट, सो दैट इज द मॉडल, 65% ऑन बुक है, 35% इज असाइंड, एंड दिस इज गोइंग टू 50-50 एज दे ग्रो फास्ट, बिकॉज़ हां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम लाइक दैट। या सो तेजस ये है ना, सी कभी-कभी क्या होता है कि sometimes necessity is mother of all inventions, right? So जैसा कि मधु बता रहा था कि भाई एक ऐसा टाइम था IL&FS के क्राइसिस के बाद जब लिक्विडिटी वाज रियली रियली डिफिकल्ट, एंड सो वी रियलाइज दैट बैंक के साथ पार्टनरशिप में भी क्या होता है, जब हम लोग एसेट असाइन करते हैं तो वो जो जिस रेट में असाइन करते हैं वो रेट जो है हमारी कॉस्ट ऑफ फंडिंग से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि बैंक रिस्क का प्रीमियम लेता है, अपना कैपिटल का चार्ज लेता है, सब कुछ करता है। तो ये पहले नहीं करते थे क्योंकि समझते थे कि ये सब प्रॉफिट अपने को ही कमाना है, तो अगर हमको सस्ते में पैसा मिल रहा है तो क्यों असाइन करें, क्यों बैंकों को बेचें। पर ये क्राइसिस में ये समझ में आया कि दिस में भी क्राइसिस में थोड़ा तो
फॉर्चुनेटली हमारे पास रिटेल एसेट्स थे, प्रायोरिटी सेक्टर एसेट्स थे, तो हमने बिजनेस चालू किए. देन वी रियलाइज कि अगर इसमें थोड़ी मार्जिन इफेक्ट भी होती है, ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा मॉडल है. क्यों? कि बैंक के पास रिस्क एपेटाइट है, उनकी बड़ी बैलेंस शीट है, डिपॉजिट है, सब कुछ है. और देन वी ट्राई टू फोकस ऑन दिस बिजनेस. और हमारा यूनिक ये है कि हम लोग रिटेल हैं पूरे और मल्टी प्रोडक्ट्स हैं. सो इन अ वे सी, बहुत सारे फिनटेक की ट्राई कर रहे हैं, उनका स्केल बहुत छोटा है. बजाज या एलएनटी के लिए डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो तो 3-5% में बोरो कर रहे हैं, तो क्यों 9-10% असाइन करेंगे. तो इन अ वे वी आर यूनिकली प्लेस फॉर दिस स्टेजेस, राइट? एंड व्हाट आई बिलीव नो, एवरी एनबीएफसी, एवरी एचएफसी हैव टू हैव अ यूनिक स्ट्रेटजी एंड अ यूनिक मोड, सही है, बेस्ड ऑन योर ओन स्ट्रेंथ. अभी देखो हमारी एक और स्ट्रेंथ जो हमने भी डिस्कस नहीं की, वो है कि एज अ ग्रुप वी आर वेरी लार्ज इन सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, विच अलाउज अस टू डू क्रॉस सेल मच बेटर देन अदर्स. तो अगर आप हमारी फी इनकम देखो, जैसे हाउसिंग में क्रॉस सेल, वो भी काफी अच्छी है, इंडस्ट्री से थोड़ी बेटर है. क्यों? कि हम लोग ये प्रोडक्ट समझते हैं और हमारे पास स्केल है, हम लोग अच्छा नेगोशिएट कर पाते हैं. अगर जो इंश्योरेंस कमीशन या म्यूचुअल फंड हम लोग कर पाएंगे, नॉर्मल एनबीएफसी से हम लोग को ज्यादा अच्छी रेट मिलेगी, क्योंकि एज अ ग्रुप ये बिजनेस हमको समझ में आता है. हम लोग अगर ये डीमैट अकाउंट या ब्रोकिंग अकाउंट अगर क्रॉस सेल करना है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं. सर, आपने रिटेल का बात किया कि रिटेल में यू आर वेरी ग्रैनुलर. हाउ कैन वी कंपेयर सर विद एनी नंबर्स, मतलब किस तरीके से आपका यू नो रिटेल प्रेजेंस है? आई वाज आल्सो टोल्ड दैट योर रिटेल प्रेजेंस और रिटेल ग्रैनुलैरिटी इज एज स्ट्रांग एज सम प्लेयर्स लाइक बजाज फाइनेंस आल्सो. बजाज फाइनेंस की साइज बहुत बड़ी है और नंबर बहुत ज्यादा है, और उनके पास बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, कार्ड से लेके सब कुछ है. तो हमारे पास भी अगर देखो तो एज अ ग्रुप 40 लाख कस्टमर्स है रिटेल में, और सिक्योरिटीज बिजनेस, फाइव पैसा, आईएफएल फाइनेंस, सब रिटेल कस्टमर्स हैं. और जो हमारा एडवांटेज है, हमारे पास ब्रांचेस है और टेक्नोलॉजी खुद की है, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, तो उसमें चेंजेस करना आसान होता है, उसको डेवलप करना आसान होता है. और हम लोग खुद समझ सीखते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट से, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है. तो ये ग्रेन्युलर है, मतलब बिजनेस मॉडल जो हमारा है, अगर 40 लाख 50 लाख कस्टमर की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत ही छोटे छोटे कस्टमर्स हैं, और ये इसमें काफी अच्छी ग्रोथ भी दिख रही है. निर्मल, ऑन द गोल्ड लोन्स फ्रंट, how different is your business model compared to Muthoot, Manappuram, or even say SBI? These are the three very large players in the market, as we understand, and there are a lot of public sector banks which have also made a lot of inroads in the last few years. So how is our business model unique or different than the others? So one difference is between the public sector banks and NBFCs. So yahan pe speed bahut achhi hoti hai, flexibility bahut zyada hoti hai customers ko. SBI ki interest rate bahut kam hai, par main samajhta hu ki wo 5 मिनट में टर्न अराउंड नहीं कर पाएंगे. अगर आप जाओगे और बोलोगे मुझे आपको मेरी ज्वेलरी लो, 5 मिनट पैसा, तो ऐसा नहीं होगा. उनके कुछ रजिस्टर्ड वैल्यूअर होंगे, कभी कभी मैं जहाँ तक समझता हूँ 1 दिन का टाइम लग जाता है. दूसरा, उनका जो फोकस है 2 लाख से ऊपर वाली लोन पे है, जनरली वो कैश में भी डील नहीं करते हैं. और कस्टमर्स क्या होता है कि उसको अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि मैंने आज लोन दिया, 5 दिन बाद मेरे को ज्वेलरी वापस चाहिए, या 2 महीने बाद चाहिए, जब भी चाहिए मैं ले लूँ, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एनबीएफसी में ज्यादा रहती है. तो ये एसबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसी का डिफरेंस है. वो लोग काफी छोटी छोटी जगह पे पहुंच गए हैं, कस्टमर्स के पास में है, कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विस दे सकते हैं ब्रांच वाले, उनके पास जाके कैश कलेक्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट का, उनको रिमाइंड कर सकते हैं, तो अकाउंट इतनी जल्दी से एनपीए नहीं होता, क्योंकि पर्सनल कनेक्ट होता है. और छोटा लोन दे सकते हैं, लोन छोटा, अगर उनको कभी कभी क्या होता है, कस्टमर्स 4 ज्वेलरी दी, वो कहेगा मेरे को 1 ज्वेलरी मेरी वापस दे दो और इतना थोड़ा पैसा ले लो, पार्ट पेमेंट, पार्ट रिलीज. तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो एनबीएफसीज कर पाती है, जो बैंक्स नहीं कर पाती है. अब रहा सवाल हमारा और मनप्पुरम और मुथूट में क्या डिफरेंस है. सो पहला तो ये है कि मनप्पुरम मुथूट जो थे वो साउथ में बहुत स्ट्रांग है, कि उन्होंने साउथ से काम चालू किया था. साउथ बड़ा मार्केट है, हमारे लिए साउथ जो है रिलेटिवली इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर रिलेटिवली देखो तो हम लोग साउथ में उनसे कमजोर है, वो लोग साउथ में हमारे से ज्यादा स्ट्रांग है. पर हमने क्या किया था कि इस समय जब अपॉर्चुनिटी, पहले लोगों को ऐसा था कि गोल्ड लोन साउथ में ज्यादा बिकता है, पर हमने दूसरे मार्केट डेवलप किए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ईस्ट, और हमें काफी 10 साल से ज्यादा हो गया हमको गोल्ड लोन करते करते. तो हमने ब्रांचेस लगाई, अवेयरनेस क्रिएट की,
अब इन जगह पे भी मंदापुरम मुथूट भी आ रहे हैं, हम लोग भी साउथ में जा रहे हैं। तो ये क्या है कि रिटेल नेबरहुड बिजनेस है, हमारा जो प्रोडक्ट है हम लोग थोड़ा एसएमई पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमारी इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम है उनसे, तो ये सब डिफरेंसेस हैं। टेक्नोलॉजी में हमने शुरू से ही टैबलेट पे काम किया, हमारे यहाँ पे कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है ब्रांचेस में, आप एक छोटे से टैबलेट पे सब कुछ हो जाता है। डिफरेंस है सब, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। निर्मल, वन मोर क्वेश्चन ऑन द गोल्ड साइड। सो बिफोर 2011-12 मुथूट मन्नापुरम सफर्ड बिग लॉसेस इन दैट बिजनेस, एंड दैट्स बिकॉज़ आई थिंक सफर्ड बिग लॉसेस मे बी बिफोर 11-12 एंड मे बी 13-14 में जब गोल्ड के प्राइसेस क्रैश हुए थे। राइट, करेक्ट करेक्ट। And at that point of time, they were lending, I think the lending model was very different. They were lending for much longer term with a monthly installment. And then the model changed to less than 1 year lending, bullet payment. So, 3 months, 6 months, 9 months ka loan, bullet payment karke, okay? Now, what is the problem with the current model that they are having? So, I was checking Muthoot's numbers yesterday. Is that ki जितना डिसबर्समेंट है उतना ही रिपेमेंट भी हो रहा है उनका एवरी क्वार्टर, तो उसके चलते उनका जो ग्रोथ है ना, दैट ग्रोथ इज गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड। दे आर नॉट एबल टू ग्रो मोर देन 10-15% बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लोन, एज आई वुड पुट इट। व्हाट इज आवर टेक ऑन दिस काइंड ऑफ अ लेंडिंग? ये एक तो क्या हुआ है कि तो लास्ट क्वार्टर में तो डिसबर्समेंट और रिपेमेंट ज्यादा ही था क्योंकि थोड़ा पेंट अप था क्योंकि पिछले क्वार्टर में सब बंद था। दूसरा, बैंक से कंपटीशन बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है कि बहुत सारी छोटी छोटी बैंक्स हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव हो गई है। और ये दो चीज़ें मैं सी, गोल्ड लोन में क्या है कि कॉम्पिटिटिव मतलब ओके, सब NBFC की अपनी अलग नीस है, अलग स्ट्रेंथ है, पर हकीकत ये भी है कि कॉम्पिटिशन बढ़ भी रही है। और इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे बैलेंस ट्रांसफर होते हैं तो बुक में इतनी ग्रोथ नहीं आती है। टू सम एक्सटेंट इवन वी हैव फेस दिस प्रॉब्लम, सो इट्स नॉट दैट इज इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम और मे बी अ टेम्पररी फेज। सी क्या हो रहा है कि जो बैंक भी जो लैंड कर रही है बहुत एग्रेसिवली, नए नए प्लेयर आ रहे हैं, उनको ये चीज़ शायद थोड़े में समझ में आएगी कि ये इतना इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि इतना मार्जिन है, क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है क्योंकि ब्रांच को चलाने के 6-7% कॉस्ट भी है कम से कम, और लोन AUM की तो। और कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत सारे बैंक एग्रेसिव हो गए क्योंकि उनको 90% LTV अलाउड थी, उन्होंने लोन कर दिया और फिर अगले 2 quarters पता चला कि लॉसेस हो रहे हैं इसमें, क्योंकि जो MTM पूरा नहीं हो रहा, गोल्ड के बाद थोड़े भी अगर कम हो जावे तो लॉस हो रहा है। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि ये जो हाइपर एक्टिविटी है कॉम्पिटिशन की और जो मार्जिन पे प्रेशर है या जो लोन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि वापस जो प्लेयर्स है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, दे शुड कम बैक। और जो हाइपर कंपटीशन हो रही है वो दे लर्न देयर लेसंस एंड देन यू नो बिकम मोर रीजनेबल। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे नए प्लेयर है जो लोन को ट्रांसफर करा रहे, ज्यादा लोन देके, तो वो क्या करते हैं कि पर्सनल लोन को टैग कर देते हैं कि जैसे मैंने आपको अगर 100 rupees की लोन है गोल्ड की, आपको मैं 75 rupees से ज्यादा दे नहीं सकता हूँ क्योंकि RBI रिस्ट्रिक्शन है, मतलब हम लोग जैसे अगर प्रैक्टिकली 70% दे पाते हैं, समझो आप 70-75 देते हो पर आप चाहते हो 85 दो, तो आप क्या करोगे, 10% पर्सनल लोन दे दोगे। ऐसी भी कंपटीशन आ रही है, तो ये सब टेम्पररी फेज है। तो उसमें कस्टमर क्या करेगा, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो आपके यहाँ से लोन वापस करके और कहीं ट्रांसफर कर देगा। निर्मल, वन मोर क्वेश्चन, ये व्हाई इज आवर यील्ड ऑन गोल्ड लोन सो लोअर देन मन्नापुरम मुथूट? वो लोग का 20-22% रहता है, अपना 17-18% होता है, अबाउट 400 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है, व्हाई इज दैट डिफरेंस बिटवीन देम? उसमें ये ना, हमारा जो फोकस है मोस्टली ऑन MSME कस्टमर्स है एंड नॉट ऑन कंज्यूमर, आई मीन इट्स अ चॉइस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ देयर इज अ बिजनेस दैट विल प्रोबब्ली हमको ब्रांचेस से भी चलाना है। तो जो हम लोग ब्रांचेस लगाते हैं वो भी हम लोग ज्यादातर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में लगाते हैं, रीजन से कम लगाते हैं। और इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में समझता हूँ कि बिजनेस अच्छा है, क्योंकि ये जो कस्टमर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल या अपनी छोटी चीज ले लेते हैं, क्योंकि उनका कैश फ्लो है, वो पैसा भी देते हैं वापस, तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी बहुत कम है रिलेटिवली। और दूसरा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म उसमें रिपीट बिजनेस भी अच्छा होता है, और ये जो कस्टमर्स है उससे दूसरे क्रॉस सेल प्रोडक्ट भी काफी अच्छे बिकेंगे। और उसके अलावा पॉलिसीज है, मतलब
हम लोग समझते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज है जिसमें बहुत ज्यादा पेनल या बहुत ज्यादा आप रेट गलत नहीं चार्ज करो तो कस्टमर गुडविल बनेगी। और ये एक कारण है कि हमने काफी तेजी से ग्रो भी किया, जैसे वरिंदर जी पूछ रहे थे कि पिछले 5 सालों में हम लोगों ने ग्रो कैसे किया, क्योंकि वी टारगेटेड गुड कस्टमर्स विद लोअर इंटरेस्ट रेट आल्सो। एंड व्हाट इज आवर मॉडल इन द गोल्ड लोन, एज इन डू वी हैव एन ईएमआई मॉडल एंड आर एंड अदर लोन्स मोर देन 1 ईयर टाइम पीरियड? सो मॉडल जो है इसमें मंथली इंटरेस्ट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट और बुलेट इंटरेस्ट भी होता है। ईएमआई मॉडल बहुत कम चलता है इसमें, पर प्रोडक्ट है 6 महीने 12 महीने 2 साल 7 तरह के प्रोडक्ट है। ओके ओके गॉट इट। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं, आई थिंक इट्स टाइम आल्सो, यू नो आपको जाना भी होगा, या यू नो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स सर। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू, अगर मैं इस इंटरव्यू को यू नो रैप अप कर सकूं, आज 44,000 का ऑर्डर बुक साइज है अपना, असिस्टेंट मैनेजमेंट है, असाइनमेंट मिला के, हां तो वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी ग्रोइंग 25-30% विदाउट पुटिंग अ नंबर। नहीं, सो दिस कॉन्फिडेंस इज अ लाइक डिफिकल्ट वर्ड टू यूज, बट दैट्स व्हाट आवर इंटरनल टारगेट इज, दैट्स व्हाट वी वांट टू वर्क टुवर्ड्स। ओके, द इंटरनल टारगेट इज दैट द बुक साइज कैन ग्रो 25-30%। Book size can grow 25% over a longer period of time. This year, the first half, there was no growth kind of a thing. Got it. Dusra sir, this growth will not come with any dilution, right? This growth will not. Okay, maybe let me correct you. Haan ji. We don't need dilution for this growth. Okay. Okay. Now, whether you ask me whether we'll raise equity at some point in time or not, I don't have an answer to this. Got the it. Board has to decide. But what will we do is that we have to keep in, I'm one of the larger shareholders, so obviously I don't do something which dilutes my own wealth. Got it. So of course, agar, you have to do it at a right valuation at a right time and for right objectives. Got it. But to answer your question, to achieve growth, the way our business model is working today, we should not need capital. Got it. But that doesn't mean that we'll never raise equity. वो ठीक है, बाकी जब इक्विटी आ जाएगा तो देन ऑफ कोर्स इट विल एक्सेलरेट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी व्हेन द मार्केट इज राइट, वैल्यूएशन इज राइट, एंड यू नो दैट हाउ डू यू व्हाई डू यू वांट टू रेज मनी। गॉट इट। एंड गोइंग अहेड द फोकस, मेन कोर फोकस विल रिमेन ऑन 3 सेगमेंट्स, गोल्ड, होम एंड बिजनेस लोन। दैट्स राइट। यू नो माइक्रो फाइनेंस इज आल्सो अ स्मॉल बिजनेस, दैट्स आल्सो फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, बट द focus is on these 3 activities. Got it. You will not get into this all this high tech, high risk kind of products, right? The BNPL and all. I can't make any forward looking statement, but at this point in time, we have no plans to get into those businesses. Got it. And we have thought through it, and we think that we don't have the core competency to get into that. Got it. And of course, you're looking like a candidate. The market is very crowded also. So you have to look at both. What is the opportunity? What is the risk? And what is your strength? Got it. I will not put a number to your head, but anyways, and of course, you're looking for a candidate like Aditya Puri to join you whenever, you know, you get someone like him. Aditya Puri, he can just guide, that will also be very good, but you know, if at all, you know, so, but obviously that is not on the cards right now. Sir, out of all the enthusiasm what we have for IIFL Finance, and I gave a disclosure also, what are the risk as per you? एक या दो आपको लगता है risk? मतलब क्या चीजें आपको लगता है कि यार वरिंदर सब plan set है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, economy अच्छी है, business करना आ गया अभी 15 साल के बाद, but ये एक दो चीजें हैं फिर भी ध्यान रख लेना। So, okay, एक तो क्या है कि इस industry में economy में many times crises come which you could not have imagined. जब IL-FS आया किसको पता नहीं था, फिर DHFL हुआ, फिर बहुत सारी दूसरी चीजें हुई, उसके बाद कोविड हो गया, उसके पहले डीमोनेटाइजेशन हो गया, सो वी डोंट नो अब नेक्स्ट क्राइसिस कौन सा आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, उसके क्या इंपैक्ट होगा। सो वन रिस्क इज दैट एनी क्राइसिस कैन अफेक्ट फाइनेंशियल सेक्टर, वो तो सबको करेगा सर। हाँ, वो करेगा, तो देयर इज रिस्क, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। दूसरा क्या है कि ये इंडस्ट्री है ना, ये बहुत सेंसिटिव है। जब IL-FS हुआ तो वी लर्न वन थिंग कि दैट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, इवन इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो अगर इंडस्ट्री में गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हो गया तो वापस द होल थिंग विल यू नो गेट इनटू दैट
mode in which, you know, people are not doing anything. And again, it can become like a paralyzed situation. Sir, मेरी तरफ से questions हो चुके हैं, and I'm sure कि अगर हम बात करेंगे तो और questions आते रहेंगे. But you know, I think you have taken enough time to explain us. You know, I तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया कर रहा हूँ सर. आपका धन्यवाद. Thank you so much. बहुत-बहुत सीखे. Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate.